इस सावन में नाग पंचमी के दिन 10 लाख लोगों का यहाँ पर। लेकिन रास्ता देखोगे ना तो बहुत खराब है, पैर की तो बैंड बज चुकी है हमारे सबके पैरों की। दरवाजा कैसे बंद करके बैठे हो तुम? खोलो। मंदिर जा रहे हैं और गणेश मंदिर हम क्यों आए थे भैया बताने वाले? गणेश मंदिर की मतलब कर्जा हो किसी को या मतलब पैसों से तंगी हो या दिक्कत हो ना, उज्जैन में कोई राजा रात नहीं रुकता। तो आज आ चुके हैं यहाँ पे दिल्ली, ये खड़ी हमारे पीछे बस घर पे बना दो। मस्तक पे लगाया कुमकुम, ये महादेव पर नहीं चढ़ता है, लेकिन ये आप अंगारेश्वर महादेव पर चढ़ा सकते हैं। मजा आ गया भाई, ये ठेकेदार जो हमने देख के बुक करी थी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जेडीवी जॉबलेस दर्शित व्लॉग्स। सो गाइस, अंगारेश्वर महादेव, अंगारों का मतलब होता है लाल और लाल का अर्थ हो मंगल। स्वयं भूमि पुत्र है ये, नदी शिप्रा मैया से ही सटे इनका मंदिर है और अपन अंदर चलेंगे तो देखना शिप्रा मैया के पास में ये इनका तल में है मंदिर। ये टीला हुआ करता था यहाँ पर, ये मंदिर जो डूब जाता है पानी में, जब आता है ना बारिश का पानी तो जो मंदिर पूरा जलमग्न हो जाता है। तो इनकी पूजा कहाँ करे तो इनको स्थान दिया था टीले पे, ठीक है। इनको भी अपन मंगलनाथ के नाम से ही जानते हैं, लेकिन मंगल का जो अर्थ है वो है अंगार, है ना। तो वो अंगारेश्वर महादेव स्वयं भूमि पुत्र है, वहाँ पर गौशाला भी है, वहाँ पर आप गाय को भोजन भी करा सकते हैं। अच्छा। और वहाँ पर आप जैसे कि मैंने मस्तक पे लगाया कुमकुम, ये महादेव पर नहीं चढ़ता है, लेकिन ये आप अंगारेश्वर महादेव पर चढ़ा सकते हैं। इन पे एक कुमकुम भी चढ़ा सकते हो, सेहत भी चढ़ा सकते हो और इनका स्नान भी करा सकते हो, इनका लेप भी कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। जैसे कि जीवन में सभी के मंगल रहता है, राशि भले नहीं हो, मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है माँ मंगल, लेकिन जीवन में मंगल सभी को रहता है, मंगल सभी को रहता है। यहाँ पर आओ तो जब भी तो अंगारेश्वर महादेव आप आइए, यहाँ पर पूजन अर्चन करिए, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क सेवा है, ठीक है मेरे भाई। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है महामंगल जी, हर महादेव के मंदिर में आपको नंदी की सवारी मिलेगी, यहाँ पर भेड़ की है, क्योंकि वृश्चिक और मेष राशि के स्वामी है महामंगल। बारिश का पानी आता है ना तो ये पूरी सड़क वगैरह मंदिर वगैरह सब पानी में डूब जाती है, ठीक है भाई। और यहाँ तो बारिश का मौसम, डूबने का मौसम क्या सितंबर रहता है, अगस्त तक। स्वयं यहाँ पर आप जल चढ़ा रहे हैं, स्वयं महाकाल पर जल चढ़ रहा है, ठीक है। गाइस आ चुके हैं गौ माता को केले खिलाने, रुको गौ माता भी देंगे, मैं भी दूंगा, रुको रुको दो सेकंड रुको। छिलके समेत खिला रहे हो? छिलके समेत भी खिला, पक्की बात। अरे 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 माता, यहाँ तक इतने आगे आता नहीं होगा ना कोई, और आगे चलो, डर मत, सही है, मैं देख भगा दिया, सब देंगे माता जी। ओ, ओ, नहीं लड़ाई नहीं करते गौ माता। भाई आए थे यहाँ पे, देखो इतना बड़ा मस्त टीका लगाया भाई ने हमारे, उन्होंने ही टीका लगा दिया था, ऑटो वाले भाई ने, उन्होंने अपने भी ऐसे लगाया और हमारे भी सबके ऐसे लगा दिया था। गौ माता को हमने फल भी खिला दिया और चारा भी यहाँ पे खिला दिया है हमने, बढ़िया सब ने ही खिला दिया, और आगे जाके खिलाया था, यहाँ वाली गौ माता तो पानी पी रही थी, हमने आगे जाके खिला के आते हैं, आगे हो गया बढ़िया। अब हम कौन से मंदिर जाने वाले हैं वो आपको बताएंगे, भैया लेके जाएंगे और फटाफट से दिखाएंगे कि वहाँ कैसी सेटलमेंट है कैसी। लेकिन रास्ता देखोगे ना तो बहुत खराब था, पैर की तो बैंड बज चुकी है हमारे सबके पैरों की, बैंड बज गई है इस पत्थरों पे ऐसे चल चल के नंगे पैर चल चल के बैंड बज गए हमारी। हमारी ना ऑटो में है सबकी चप्पलें, और देखो ये पूरा चल के जाना है ऑटो तक, वहाँ तक आगे तक जाना है, ऑटो नहीं दिख रहा ना, ऑटो तक ले जाना। वाइज आ चुका है यहाँ पे मंगलनाथ मंदिर भी आ चुके हैं हम यहाँ पे, और वो वाला भी मतलब मंगल का मतलब मेन उस वो था ना, तो हमारे ऑटो वाले भाई कह रहे थे इसमें नहीं, वो उसमें चले गए तो इसमें क्या आना, लेकिन हमने जिद कर करके यहाँ पे आ चुके हैं।
रामदीपनी आश्रम आ चुके हैं गाइस, यहाँ पे जहाँ पे कान्हा जी ने मतलब शिक्षा प्राप्त की थी काफी सारी, और कुछ ही दिनों में यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की थी, वहाँ पे हम आ चुके हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, लड्डू गोपाल महाराज की जय हो। तो गाइस आ चुके हैं यहाँ पे ऋण मुक्तेश्वर मंदिर आ चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे मतलब कर्जा हो किसी को या मतलब पैसों से तंगी हो या दिक्कत हो ना, वो दूर हो जाती है यहाँ पे। यहाँ के पूजा भी होती है उस चीज़ की, तो यहाँ पे आप आ सकते हो। यहाँ देखो पूजा हो भी रही है, मेन यहाँ हो गए, जल चढ़ाना होता है यहाँ पे ऐसे, मतलब जल लोगे यहाँ से और अंदर जाके चढ़ाना होता है। बाकी हमारे ऑटो वाले भैया आ रहे हैं, उनसे पूछवाएंगे आपको कि क्या। गाइस आ चुके हैं यहाँ पे चिंतमण गणेश मंदिर आ चुके हैं, अंदर चलते हैं, अंदर जाने का प्रोसेस देखते हैं यहाँ पे क्या है। मंदिर खुलने का समय 5 बजे से लेके सुबह 5 बजे से खुला रहता है, और आरती है सुबह 7:30 और शाम के 8:30 बजे 7:30 बजे, और मंदिर मंगल होने का समय तो गाइस हो चुके हैं यहाँ पे हमारे। देखो गणेश जी वाले मंदिर में दर्शन हो चुके हैं यहाँ पे। शायद हम पिछले बार नहीं आए थे, लेकिन इस बार आए हैं यहाँ पे, और काफ़ी क्राउड है यहाँ पे, सब बैठ के रेस्ट कर रहा है, जो कि हम भी रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत ना चल चल के ही थके हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन में अभी टाइम है। संयम भाई कैसे दर्शन होगा बाहर, खुले हो रहे हैं भाई, हर जगह खुले दर्शन हो रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं हर जगह खुले हो रहे हैं ना, मजा आ रहे हैं, हर जगह 5 से 10 मिनट लग रहे हैं, और सीधे अंदर जा रहे हैं, मतलब इतनी भीड़ के बाद भी टाइम कम लग रहा है, बहुत कम टाइम है ना। गौरव भाई कैसा रहा अब तक का सफर? सफर बहुत बढ़िया रहा है, दर्शन बहुत बढ़िया हो गए, बढ़िया हो गए, बहुत बढ़िया हो गए। लाइन लंबी है बट लेकिन ठीक है, अच्छी है, लंबी लाइन के बाद ना ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। और आप यहाँ चेक कर सकते हो यहाँ पे ना दर्शन के बाद ना, यहाँ देखो बैठने की भी व्यवस्था यहाँ पे काफी अच्छी की गई है यहाँ पे, ये चेक करो। हम जो बैठे हैं ना इस पे बैठे हैं, हम भी यहाँ पे बैठने का यहाँ भी बहुत अच्छा है, यही मंदिर है, बैक साइड है मंदिर की, यहीं आके बैठे हुए हम, क्योंकि काफी चल चल के और काफी देर ना बार बार लाइन में लग के पत्थरों पे चल चल के हम थक चुके हैं। ये गाइस आ चुके हैं दोबारा से हम फोटो में और अपनी सवारी में, और अब हम जाने वाले हैं यहाँ पे। कहाँ जा रहे हैं भैया? शनि मंदिर, नवग्रह मंदिर। शनि मंदिर जा रहे हैं, और गणेश मंदिर हम क्यों आए थे भैया बताने वाले? गणेश मंदिर की भैया डिटेल बता दो, क्यों है, कैसे है, डिटेल बताओ, और कहाँ है, उज्जैन से कितना दूर है, कितने किलोमीटर दूर है, ये सब बताओ। चिंतामण गणेश उज्जैन से 6 किलोमीटर दूर है। 6 किलोमीटर दूर है। जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मई वनवास के लिए निकले थे, तो उन्हें एक चिंता जाहिर हुई थी, तो उन्होंने जो चिंतामन गणेश थे उनकी स्थापना करी थी सीता मैया। जब सीता मैया को प्यास लगी तो लक्ष्मण जी ने एक मंदिर के जहाँ पे स्थान किया था ना, तो उसके ठीक सामने एक अपना लक्ष्मण बाण चलाया और बावड़ी की उत्पत्ति करी उन्होंने, जिसे लक्ष्मण बावड़ी के नाम से जाना जाता है। चिंतामन गणेश तीनों रूप में विराजमान, चिंतामन, मंशामन और सिद्धि विनायक। चिंतामन चिंता हरे, शिपरा करे निहार, रक्षा करे महर सिद्धि, कृपा करे महाकाल। ठीक है भाई, बोल महाकाल महाराज की जय। टीका नगरी मेरे भाई, 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है, यहाँ स्वयं कालों के काल महाकाल बसते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में सिर्फ एक यहाँ उज्जैन की महाकाल ज्योतिर्लिंग एक ऐसी है जहाँ पर भस्म आरती होती है। हाँ। और आज भी उज्जैन में कोई राजा रात नहीं रुकता, सीएम पीएम रात नहीं रुकते, यहाँ राजा धीराज बाबा महाकाल ही राजा है। हाँ। जो रुकता है या तो तबीयत खराब हो जाती है, वो उसकी डेथ हो जाती है। जो भी होता है संपूर्ण चीजें ऐसा है मेरे भाई, स्वयं महाकाल है, स्वयं ही निवास करते हैं वो यहाँ पर। सावन माह में इनकी सवारी निकाली जाती है, और जो साई सवारी रहती है वह बड़े विचित्र धूमधाम से
विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी वह इसी मंदिर से, शनि मंदिर से। सावन में यहाँ पे काफी भीड़ आती होगी फिर तो है भीड़। अभी इस सावन में नाग पंचमी के दिन 10 लाख लोगों का यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा था। यहाँ पर होटल भी हैं, सस्ते ही हैं, धर्मशालाएं भी हैं, सरकार कुछ नई धर्मशालाओं का भी निर्माण कर रही है। और यहाँ पे मतलब सावन में कुछ अलग भी होता है कि जैसे मतलब मंदिर की डेकोरेशन और सवारियाँ निकाली जाती हैं यहाँ पर, सवारियाँ निकालते हैं। उसके बाद बाबा का हर एक रूप में श्रृंगार किया जाता है। अच्छा, तो वो मतलब श्रद्धालुओं को देखने के लिए मिलता है? हाँ, देखने को मिलता है ना बिल्कुल। और फिर यहाँ पर कावड़ यात्री भी आते हैं 160 किलोमीटर दूर से कावड़ लेके, नर्मदा मैया का जल लेकर आते हैं पूरे सावन यहाँ पर। अच्छा, खूब अच्छा लगता है, मेला भरा था पूरे सावन यहाँ पर, और 12 महीने मेला है बाबा महाकाल का। तो अभी गाइस चलते हैं फटाफट से शनि मंदिर चलते हैं और वहाँ आपको बताते हैं कि वहाँ कैसे है और क्या स्टोरी है ना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय श्री महाकाल, जय शनिदेव। ठीक है, नौ बजे शनि मंदिर है, 2000 वर्ष पुराना मंदिर है, राजा विक्रम मंदिर के द्वारा स्थापित है। यहाँ पे क्या नवमी देवता अपने न्याय करवाने के लिए आए थे उज्जैन नगर में राजा विक्रमादित्य के पास में। राजा विक्रमादित्य ने नवमी ग्रह देवता को न्याय किया था और यहाँ पे शनिदेव को सबसे बड़ा बताया था। तो नवमी ग्रह को फिर जिस ग्रह का जो स्थान है उस स्थान से इनको नवमी देवता को बिठाया था और यहाँ पे जो तेल चढ़ाता है, जो उड़द करके चढ़ाता है, उनकी जो 7.5 साल की जो दशा होती है शनिदेव की, वो नॉर्मल हो जाती है। एक नॉर्मल स्थिति होती है 7.5 साल की, उस स्थिति में व्यक्ति अगर यहाँ नहीं आता है तो वो नॉर्मल चलेगी उसकी, पर यहाँ पे आने के बाद वो 7.5 साल की दशा जो होती है बहुत कम आंशिक रूप से हो जाती है। और राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित है, और राजा विक्रमादित्य की जब राशि में शनिदेव आए थे तो उनको चोरंगा कर दिया था, हाथ पाँव कटवा दिए थे उनके, उनके हाथ पाँव कटवाने के बाद राज्य से बेदखल करवा दिया था। फिर जब शनिदेव प्रसन्न होते 7.5 साल की, जब उनकी दशा पूरी हो जाती है, तो शनिदेव राजा विक्रमादित्य के सपने में आते हैं। सपने में आने के बाद उनसे बोलते हैं कि राजन में तुझे प्रसन्न में बोल, अब तू क्या मांगना चाहता है? तो विक्रमादित्य बोलते हैं, प्रभु मैं स्वयं चक्रवर्ती सम्राट था, आपने मेरी ऐसी दयनीय स्थिति कर दी, तो मैं अब आपसे क्या बोलूं? बोले फिर भी अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जैसा आप मुझे लगे ऐसे मेरी प्रजा को मत लगना। तो शनिदेव जी बोलते हैं, ठीक है, मैं जैसा तुझे लगा हूँ वैसा तेरी प्रजा को नहीं लगूंगा। तो वहाँ से फिर उनको वरदान दे देते हैं शनिदेव, तो बोले जा तुझे जैसा तुझे लगा तेरी प्रजा को लगा। और नवग्रह देवता की स्थापना यहाँ पे होती है, विक्रमादित्य आके उनसे माफ़ी मांगते हैं, स्थापित करते हैं नवग्रह देवता को, और शनिदेव को नवग्रह देवता में सबसे बड़ा बताते हैं। और यहाँ पे जिस ग्रह का जो कलर है उस हिसाब से नवग्रह देवता आसपास बैठे हुए, पहले शिव रूप में स्थापना है सभी की शिवांश में, उसके बाद में नवग्रह में मूर्ति रूप में स्थापना। अच्छा, और यहाँ पे जो मूर्ति है शनिदेव की, विश्व में जहाँ पे भी मूर्ति देखी शनिदेव की ब्लैक प्रतिमा मिलेगी, और यहाँ पे सिंदूर लगा हुआ मिलेगा। अच्छा, और ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वो 2500 वर्ष पुराना मंदिर है, और यहाँ पे शनिदेव की मूर्ति पे तेल अभिषेक नहीं होता है, यहाँ जो शिव रूप में शनिदेव है ना वहाँ पे अभिषेक होता है। तो नवग्रह कहीं पे भी आपको शिव रूप में नहीं मिलेंगे। प्रसाद ले लिया गाइस जो यहाँ पे चढ़ता है, और यहाँ पे हमें बताया गया ना 2 रेट थे प्रसाद के, जो कि थे 150 और 200, और उसमें क्या क्या था मतलब ये तेल की चीज़ें तो हमने एक्स्ट्रा करवाई, और ये सारा सामान था, मतलब नवग्रह है ना तो 9 चीज़ें थी यहाँ पे जो चढ़ती है, और ये दिया नवग्रहों का, और ये मतलब वाहन पे बांधने के लिए दिया था, और ये घर पे बांधने के लिए कोई नज़र से बचेगा बचाने के लिए, बाकी तेल हमने एक्स्ट्रा लिए। ट्रेन में सफ़र करते हैं एक नीचे की बर्थ पे आदमी सोता है, सबसे ऊपर की बर्थ पे औरत सोती है, बीच में एक सरदार जी सोते हैं। ताली मिल गई भाई। तो गाइस आ चुके हैं यहाँ पे हम स्मार्ट बाजार के मॉल में आ चुके हैं, यहाँ पे मॉल देखो कॉस्मोस करके मॉल है, कॉस्मोस मॉल आ चुके हैं हम यहाँ पे, और उज्जैन के कॉस्मोस मॉल में आए। क्यों आए? क्योंकि हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं डोमिनोज, क्योंकि सुबह लेकिन जैनवन मिला था, और सुबह तो इतना सस्ता मिला था कि हमने मतलब सबने 22 समोसे हो गए थे हमारे, छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे 22 समोसे हो गए थे, और वो हमने मतलब उसके साथ हमने ली थी 100 ग्राम जलेबी, और हमने चाय 135 रुपये की मात्र, इतना सस्ता जुगाड़ हो गया था। लेकिन जो खाना था ना बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना था, बहुत ज़्यादा खाना टेस्टी था भाई। देखिए सुबह वाला जो 135 रुपये वाला खाना था वो कैसा था भाई? एक नंबर है, पैसा वसूल बढ़िया। जो वो छोटे छोटे समोसे थे बहुत स्वाद थे। कितने समोसे खा लिए होंगे हमने? 22 समोसे खाए।
देखा गाइस क्योंकि चार जनों ने, क्योंकि वहाँ मतलब समोसे थे छोटे ना इसलिए, लेकिन स्वाद जो आया बढ़िया था। और हमने लिखी 100 ग्राम जलेबी 135 रुपए आया ना, 135 भाई सब मजा आ गया। चले पोहा भी था भाई, हाँ एक पोहा भी था 135 रुपए में, इतना सब कुछ खा लिया था हमने। आ चुके हैं बस, बिल्कुल ऑन टाइम आई है हमारी, 8:30 की बस थी और बस आ गई है 8:18 पे बस आ गई है। और बस आपको खुद कहेंगे एक नंबर की बस आई है इस बार, पिछली बार मतलब थोड़ी दिखने में वैसी थी लेकिन थी गजराज ट्रेवल्स की, लेकिन इस बार दिखने में जो बस है ना एक नंबर भाई। भाई इसमें तो मैं मान के सही कैसी बस है भाई, मजा आ गया भाई। ये थी गजराज ड्राइवर जो हमने देख के बुक करी थी, पर आया क्या था हमारे पास कुछ और ही। हाँ मतलब बस तो पिछली बार भी थोड़ी ओके थी, मतलब ऐसी खराब नहीं थी, एसी बहुत अच्छा था, मतलब थोड़ी दिखने में अच्छी नहीं थी, लेकिन ये दिखने में और जो एसी चल रहा है और जो लुक है ना भाई, मजा आ गया ना इसलिए मजा आ गया। ये देखो उसमें मतलब यहाँ पे मतलब कर देते, ये कैबिन है पूरा लॉक कर दूंगा इसको और बाहर दिखाऊंगा वो कैसी बस है, फटाफट से भी सवारियाँ चल रही है ना इसलिए, लेकिन ना हमारा कैबिन दिखाता हूँ कैसे। गाइस आ चुके हैं हमारे यहाँ पे चिप्स, ये चेक करा और अभी रुक नहीं है यहाँ पे, ये चेक करो अभी पूरी बस दिखाएंगे। चल भाई बांट दे, ये ना हमारे ना कच्चे भाई को बांट रहा होता सब कुछ, पर अगले देखो कहाँ जाएंगे चिप्स ये दिखाते हैं, ये चेक करो यहाँ जाएंगे। हेलो 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 भाई, बगल में ही जाते हैं, बगल वाली कैबिन भी हमारा है, देखो वहाँ तक हमारा कैबिन है, ऐसे कैबिन है ना वहाँ तक हमारे कैबिन है। गाइस सुबह का बज रहे हैं यहाँ पे 7 बज रहे हैं यहाँ पे और हम अलवर आ चुके हैं यहाँ पे, और बस ना रुकी हुई है, सारी लाइन से रुकी हुई है। 20 मिनट का स्टॉप मिला है हमें यहाँ पे कुछ खाने के लिए, थोड़ा बहुत हल्का बहुत, लेकिन अभी वॉशरूम जाने में इतना टाइम हो जाता है और सारे इतनी लाइन लग जाती है और फिर बस चलने का टाइम हो जाता है, फटाफट से हम भी चाय वाय लेते हैं फिर चलते हैं। खोलो रे दरवाजा, खोलो दरवाजा, कैसे बंद करके बैठे तुम, खोलो के चला रखा अंदर, खोलो क्या कर रहे तुम, क्या कर रहे तुम बंद करके, फोन चार्ज कर रहे, तू क्या कर रहा था बंद करके, स्टोरी बता रहा था ये, हैं इसकी स्टोरी बता रहे थे, देख रहे हैं क्या क्या गंदे गंदे हरकतें करते हैं, निकले पराठा लेके आए और देख लो क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, ये देखो क्या कर रहा था मैंने भाई। यहाँ पे देखो गोरा भाई और कच्चे के कैबिन में आ चुके, कैबिन हो चुका है लॉक, ये देखो ये देख रहे हो सेफ्टी हमारी, देखो और ये हम सील बैग, और ये चेक करो पराठा खा रहे हैं, यहाँ से पर्दा है, यहाँ से कभी भी खोल के भाग सकते हैं, ये लाइट नहीं है कहीं, सोचो ये चेक कर रहे हैं लाइट नहीं है, इसी है कहीं आपको लगे, पूरा ढक दो गोरा भाई पराठा हमने 136 रुपए का लिया है, जहाँ भी बस रुकी थी बहुत महंगा था, और कच्चे ने बोल दिया ठीक ठाक है इससे अच्छा तो घर पे बन जाता है हराम का हराम का कह रहा है तो घर पे बना दो जैसे वो डेली घर पे पेस्ट्री बनाता हूँ, मुन्ना भी मुन्ना भाई, ये भी बढ़िया। आ चुके हैं यहाँ पे दिल्ली, ये गाड़ी हमारी पीछे बस एक्सी वाली, और कितना टाइम हो रहा है टाइम बताओ 10:52 हो रहे हैं, देखो मतलब सही आ गया फिलहाल, मतलब पहुंचे तो हम बहुत लेट थे, मतलब क्योंकि ना सवारी इधर से उधर से उठानी भी होती है, इधर भी थोड़ी मतलब छोड़नी थी, कहीं कहीं छोड़ते हुए आए हैं, करोल बाग और गुड़गांव भी उतरे हैं काफ़ी लोग, उससे पहले भी एक जगह रुके हैं हम, तो जहाँ से हम बैठे थे वहीं उतरे 30,000 ही उतरे हैं, और वहाँ से अब घर जाएंगे,